एक दफ़ा फिर मैं इदारे जाफिया से हाजिर हूँ। आज मुहर्रमुल हराम की जो है वो दूसरी तारीख है, यानी कि दो मुहर्रम है आज यहाँ लंदन में, और आज जो है वो मंगल का दिन है। तो आज के हिसाब से इंशाल्लाह ताला बुध को जो है वो यहाँ पर आशूरा बर्पा किया जाएगा, यानी कि कल वाली बुध नहीं बल्कि इसके बाद जो बुध आ रही है उसमें इंशाल्लाह ताला। अभी मैं आप देख सकते हैं हमारे एक वॉलंटियर जो है हुसैन भाई, तबर्रुक भी माशाल्लाह से इनकी जिम्मेदारी है दारी जाफी आगे, और यहाँ पर बांटते हैं ये माशाल्लाह से। और आमिर भाई जो है भी एक डायरेक्शन दे रहे हैं इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर एक देखें आप, एक नया अलम लगाया जा रहा है इंशाल्लाह ताला, पाकिस्तान से वो आ चुका है, तो इंशाल्लाह ताला भी हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। अभी आमिर भाई सीढ़ियों का इंतज़ाम कर रहे हैं और यहाँ पर भी कुछ डायरेक्शन दिए जा रहे हैं। बहरहाल आप देख सकते हैं कि ये अलम का पंजा भी चेंज करेंगे इंशाल्लाह ताला, पाकिस्तान से आया, उसमें लाइट भी लगी हुई है। तो बहरहाल थोड़ा सा लेट हो गया इसकी डिलीवरी, जिसकी वजह से वो आज नफ्स किया जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर लगाएंगे। तो मैं अभी आपको परचम कुशाई इंशाल्लाह ताला दिखाऊंगा। ये मेरे हाथ के अंदर ये अलम का पटका भी है, तो इंशाल्लाह ताला भी इसको हम लगाएंगे। और अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ अभी हाज़िर होता हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला आपको दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पर अलम लगाया जाता है। सवाल ये करना था भाई, ये बताइए कि वो जो कल आप जो मार्की की बात कर रहे थे उसके बारे में क्या हुआ, मतलब वो आपको मार्की मिली? क्योंकि आप वेदर अभी देख सकते हैं कि मुसलसल बारिश है पूरे हफ्ते, तो मार्की का इंतज़ाम कर पाए या नहीं कर पाए अभी? जी जी, मार्की का इंतज़ाम हुआ है। तो कहाँ लगाएंगे हम लोग? वहाँ सामने लगेगी ना मार्की, तबर्रुक तो वहाँ से बढ़ेगा, के पास लगेगी, अच्छा एंट्रेंस के पास लगेगी। उसमें अच्छा है क्योंकि यार वो अंदर से जो है वो कंजेशन ज़्यादा हो जाती है, और अगर आप मार्की बाहर लगा लेंगे तो अगर बारिश भी होती है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला। तो ये अच्छा आइडिया है इंशाल्लाह। देखिए हाजिर मोमिनीन, यहाँ पर हम लोग अभी मार्की लगाएंगे, अब ये रोज़ाना यहाँ मार्की लगा करेगी तबर्रुक के लिए, ताकि जो है वो, क्योंकि अभी बारिश का मौसम बहुत, आप देख रहे हैं पूरे बादल हैं यहाँ लंदन में, और बारिश यहाँ पर होती रहती है। बहरहाल इस हफ़्ते तो कुछ ज़्यादा ही बारिश है, और आशूरे के दिन भी जो है वो बारिश की प्रेडिक्शन है। तो देखते हैं कि क्या होता है इंशाल्लाह ताला। लंदन में तो सब होता रहता है। ये एक और मोमिन है इंशाल्लाह, देखें आप ये किस तरह से सफाई कर रहा है यहाँ पर। और अभी बस ये ऐसे ही हैं भाई, मौला के मानने वाले यहाँ पर कुछ ना कुछ काम करता ही चलता ही रहता है, मौला का दर साफ़ कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी तौफीकात में इजाफा करेंगी, तमाम जायज़ हाजात को पूरा कर अपनी बारगाह में, इलाही आमीन। भाईजान ये सीढ़ी आ गई है यार, ये सीढ़ी लेकर आ गए अभी ये, तो अब इंशाल्लाह ताला यहाँ पर सीढ़ी ऊपर लगेगी मेरे भाई। जियो इलाही आमीन। बस इसको आराम से लगाओ, ओए ओए ओए, आराम से आराम से आराम से आराम से, बिल्कुल स्लोली स्लोली आओ, स्लोली स्लोली आओ। हाँ पकड़ लोगे ना? हाँ थोड़ा सा आगे आ जाओ, बस अभी इसको दीवार के साथ यहाँ पर लगा दो फिलहाल। और ये मोमिनीन अभी हम यहाँ पर इंशाल्लाह ताला आमिर भाई जो हैं वो अलम लगाएंगे, तो उसके ही इंतज़ाम हो रहा है अभी, लेकिन इंशाल्लाह ताला तो अभी आमिर भाई आए हैं तो फिर मैं आपको दिखा दूँ। जो यहाँ पर कुछ खवातीन में भी लाइट्स लगाई हैं, तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको, तो इंशाल्लाह ताला वो देख सकते हैं। हमारे रियाज भाई आ रहे हैं, ये कहाँ चले गए? क्लियर है, ये रियाज भाई हैं इदारे जाफिया में जो है वो तबरुक वगैरह यही बनाते हैं माशाल्लाह से, तो काफ़ी अच्छा तबरुक बनाते हैं ये। तो अभी बस मैं आपको लाइट दिखा दूँ यहाँ पर, फिर उसके बाद चलो चलो। अभी आमिर भाई आ गए यहाँ पर, और इंशाल्लाह ताला यहाँ पर अलम लगाया जाएगा इंशाल्लाह ताला, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का। ये आ गया आमिर भाई, और भाईजान ये पकड़ के रखिएगा आप ज़रा सीढ़ी, नहीं नहीं फिर भी पकड़ के रखिएगा, नहीं नहीं आमिर भाई प्लीज़ यार प्लीज़, आपके इस तरह से ना करें, जज्बातियों की ज़रूरत नहीं है, बंदा है नीचे तो पकड़ लेगा वो। अच्छा ये भी जाएगा, ये भी नीचे उतर रहे हैं भाई, बहुत मुश्किल काम है। या अली मदद, या अली मदद, ओ भाई आराम से। खुदा राज़ी हसन राज़ी, खुदा राज़ी हुसैन राज़ी, खुदा राज़ी हसन राज़ी, खुदा राज़ी हुसैन राज़ी, अली जान सफ़र ये इश्क़ तू ही खून है तुम।
همین راضی. علی جانم، علی جانم، علی جانم، علی جانم. تامه سفره ما بدون شامه و یادمون تامه. السلام علیکم مومنین، اس وقت میں ادارہ جعفریہ میں حاضر ہوں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں. آج جو ہے وہ محرم کی دوسری تاریخ ہے، یعنی کہ آج سے جو ہے وہ ادارہ جعفریہ میں کراچی سے تشریف لائے ہوئے بہت ہی مشہور نوحہ جناب شادمان رضا بھائی جو ہے وہ نوحہ خوانی کریں گے 10 محرم تک. انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آپ کو اس نوحہ خوانی کو بھی انشاءاللہ تعالی دکھائیں گے. پہلی مجلس سے جو ہے وہ مولانا علی زیدی انگلش میں خطاب کرتے ہیں، اس کے بعد جناب ضمیر جعفری صاحب جو کہ نماز مغربین کے بعد مجلس شروع ہوتی ہے اس سے ضمیر جعفری صاحب جو ہے وہ خطابت کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد جو ہے شادمان بھائی جو ہیں وہ ان شاء اللہ نوحہ خوانی حسینہ زنی کروائیں گے ہم لوگوں کو ان شاء اللہ تعالیٰ. تو آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا ان شاء اللہ تعالیٰ، آپ کو جو ہے وہ مختلف چیزوں کے بارے میں ان شاء اللہ تعالیٰ بتاتے رہیں گے کہ جعفریہ میں کس طرح سے جو ہے وہ مجالس کا انتظام کیا جاتا ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پوری دنیا میں، یعنی کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی مجالس کا سلسلہ جاری ہے. ہندوستان اور پاکستان کی تو کیا بات ہے کہ وہاں پر صدیوں سے جو ہے وہ سالوں سال سے جو ہے وہ یہ ان مجالسوں کا سلسلہ جاری ہے، اور بڑے بڑے علماء کرام جو ہیں وہاں پر مجالس سے خطاب کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے بس یہ ایام عزا کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اور ابھی میں آپ کو دکھاؤں کہ اس وقت میں بالکل ادارہ جعفریہ کے سامنے موجود ہوں. یہاں پر موسم جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف بادل ہی بادل ہیں، اور بارش کی جو ہے وہ پیشن گوئی ہے پورے ویک، اور کہا جا رہا ہے کہ اس سال جو ہے وہ عاشورے پہ بھی جو ہے بی بی سی ویدر کے مطابق وہ بارش کی پریڈکشن ہے. اور دیکھیں آپ یہ زری جو ہے وہ کتنی، سوری یہ جو سبیل ہے وہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اس وقت. جو ہے ستار بھائی جو ہیں وہ پھر سے انشاءاللہ ماشاءاللہ سے جو ہے وہ اپنی سبیل کو سجا رہے ہیں. یہاں سے بہت سارے لوگ مستفید ہوتے ہیں، بہت سارے بچے آ کے یہاں پہ پانی پیتے ہیں، بسکٹ لیتے ہیں، سویٹس لیتے ہیں امام حسین السلام کے صفحے میں. یہاں ہماری انجمن جعفریہ جو ہے وہ سب باہر کھڑی ہوئی ہے. ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، آپ کو میں ٹائم دکھا دوں اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہو تو. تقریباً جو ہے وہ 9:20 ہو رہے ہیں، تو تقریباً 5 منٹ یا 8 منٹ کے اندر جو ہے ابھی نماز ہونے والی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو پھر ابھی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. چلا جو خیمے سے مرنے رسول جیسا پسر، تو پیچھے پیچھے یہ کہتے ہوئے چلے سرور. مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، ارے کچھ دیر تو جی لے تیرا، کچھ دیر تو جی لے تیرا بابا علی اکبر. ہو تم زی سے گرو گے تو بدل جائے گی دنیا، مقتل کی طرف کون ہمیں لے کے چلے گا. ارے قاتل تو بتائیں گے نا، قاتل تو بتائیں گے نا رستہ علی اکبر.
और नाना गए जब आई थी अम्मा पे ज़ईफ़ी। अरे तुम जाते हो हालत है अजब बिनते अली की। अरे ज़ैनब हुई जाती है ज़ईफ़ा अली अकबर। मुड़ मुड़ के मुझे देखते जाना अली अकबर। बाबा की ओ शौक़ दे